नमस्ते साथियों, मैं सूरज छेत्री आप लोग सभी को फार्मिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। साथियों, अगर आप लोग अंडे उत्पादन के लिए आरआर मुर्गी पालन करना चाहते हैं और अगर आप लोग 100 आरआर मुर्गियों से शुरुआत करना चाहते हैं तो 100 आरआर के चूजे खरीदने से लेकर उन्हें अंडे पे लाने तक आप लोगों का खर्चा कितना होगा, उसके बारे में अभी मैं आप लोगों को इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो पूरे लास्ट तक ध्यान से देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ही मैं आप लोग सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आप लोग एक दिन के आरआर के चूजे खरीदते हैं तो आरआर के एक दिन के चूजे का प्राइस लगभग 40 रुपये से लेकर 50 रुपये तक होता है और एक चूजे का प्राइस अगर हम 50 रुपये मान के चले तो उसके हिसाब से 100 चूजों का प्राइस हो जाता है 5,000 रुपये। अब बात करते हैं फीड के बारे में कि 100 आरआर मुर्गियों को चूजे अवस्था से लेकर अंडे पे लाने तक फीड कितना चाहिए। देखिए साथियों, ये आरआर मुर्गी जो है इसे खासकर अंडे उत्पादन के लिए ही पाला जाता है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा अंडे देती है और ये साल भर में लगभग 280 से लेकर 300 तक अंडे देती है। पर अगर हम आरआर मुर्गियों को सही तरीके से फीड खिलाकर पाले तो अगर हम आरआर मुर्गियों को मांस उत्पादन के लिए पाले गए मुर्गियों को जो फीड दिया जाता है उसे देते हैं तब हमें इतना अंडा नहीं मिलता है। 100 आरआर मुर्गियों को चूजे अवस्था से लेकर अंडे पे लाने तक लगभग 1000 केजी फीड चाहिए और ये आरआर मुर्गी लगभग 4.5 से लेकर 5 महीने से अंडे देना शुरू करती है। पर अगर आप लोग अच्छे क्वालिटी के आरआर के चूजे नहीं लाते हैं और आरआर के मुर्गियों को अगर आप लोग सही तरीके से फीड नहीं देते हैं तब ये आरआर मुर्गी अंडे देने में देर कर देती है। आरआर मुर्गी लगभग 6 महीने के बाद ही अंडे देना शुरू करती है अगर आप लोगों का मैनेजमेंट अच्छा नहीं है और अगर आप लोग अच्छे क्वालिटी के चूजे नहीं लाते हैं तो। साथियों, यहाँ जो अभी आप लोग देख रहे हैं यहाँ आरआर सोनाली और ओरिजिनल देसी मुर्गी है और इन मुर्गियों को मैंने अंडे उत्पादन के लिए पाल रखा है। और जो लोग आरआर मुर्गियों को नहीं पहचानते हैं मैं उन्हें दिखा देना चाहता हूँ। आप लोग देख सकते हैं ये आरआर मुर्गी है। साथियों, मैंने जो आप लोगों को बताया है कि 100 आरआर मुर्गियों को चूजे अवस्था से लेकर अंडे पे लाने तक लगभग 1000 केजी फीड चाहिए। ये 1000 केजी फीड जो है इसमें से फीड का खर्च कम करने के लिए आप लोग 200 केजी घर का बनाया हुआ फीड और वेस्टेज भी खिला सकते हैं और बाकी के 800 केजी फीड आप लोग कॉमर्शियल फीड खिला सकते हैं जिससे मुर्गियों के फीड का खर्च कम हो जाता है। पर इसमें भी आप लोगों को एक बात ध्यान देना है, दिन में सिर्फ एक बार ही घर का बनाया हुआ फीड और वेस्टेज आरआर मुर्गियों को देना है। बाकी के दो टाइम मतलब सुबह के टाइम में और शाम के टाइम में आरआर मुर्गियों को अंडे उत्पादन के लिए पाले गए मुर्गियों को जो भी फीड दिया जाता है उसे ही देना है, यानी कि कॉमर्शियल फीड देना है। और अंडे उत्पादन के लिए पाले गए मुर्गियों को कौन से समय में क्या फीड दिया जाता है उसके बारे में अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। अंडे उत्पादन के लिए पाले गए मुर्गियों को अगर हम सिर्फ कॉमर्शियल फीड खिलाते हैं तब भी हमारा फीड का खर्चा कम होता है क्योंकि मांस उत्पादन के लिए पाले गए मुर्गियों को हम जो फीड खिलाते हैं उसके तुलना में अंडे उत्पादन के लिए पाले गए मुर्गियों के फीड का प्राइस कम होता है। अगर आप लोग मांस उत्पादन के लिए मुर्गी पालन करते हैं और उसके लिए अगर आप लोग 50 केजी के एक बोरा दाना खरीदते हैं तो उसका प्राइस लगभग 2000 रुपये से लेकर 2500 रुपये तक होता है। पर अगर आप लोग अंडे उत्पादन के लिए पाले गए मुर्गियों के लिए फीड खरीदते हैं तो उसके 50 केजी के एक बोरा का प्राइस लगभग 1500 रुपये से लेकर 1700 रुपये तक होता है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ कितना बड़ा डिफरेंस है। 100 आरआर मुर्गियों को चूजे अवस्था से लेकर अंडे देने लायक बनाने तक जो 1000 केजी फीड चाहिए वो 1000 केजी फीड अगर आप लोग उन्हें खरीद कर ही खिलाते हैं, कॉमर्शियल फीड ही खिलाते हैं, उन्हें घर का बनाया हुआ फीड नहीं खिलाते हैं तब आप लोगों का खर्चा कितना होगा उसके बारे में अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। अगर आप लोग 800 केजी कॉमर्शियल फीड खिलाकर बाकी के 200 केजी घर का बनाया हुआ फीड और वेस्टेज खिलाकर पालते हैं तब तो ठीक है, आप लोगों का मुनाफा होगा। पर अगर आप लोग 1000 केजी फीड ही खरीद कर खिलाते हैं तब आप लोगों का खर्चा कितना होगा वो सुनिए। देखिए, एक दिन से लेकर मिनिमम 30 दिन तक मतलब एक महीने तक 100 आरआर के चूजों को प्री स्टटर या
चिक्रम फीड खिलाना है। देसी या ब्रॉयलर मुर्गियों के लिए जो प्री स्टेटर फीड आता है वो भी आप लोग खिला सकते हैं, नहीं तो आप लोग चिक्रम फीड भी खिला सकते हैं। उसके लिए आप लोग 50 केजी के एक बोरा फीड चूजों को खिला सकते हैं और 50 केजी के एक बोरा फीड का प्राइस हम 2500 रुपये मान के चलते हैं और उसके बाद कितना फीड आवश्यक होगा 950 केजी। ये 950 केजी फीड जो है इसमें दो कैटेगरी के फीड आप लोगों को खिलाना है मुर्गियों को अंडे पे लाने तक, नंबर 1 ग्रोवर और नंबर 2 प्री लेयर। ये जो ग्रोवर और लेयर फीड है ये अंडे उत्पादन के लिए पाले गए मुर्गियों को खिलाया जाता है। चूजे अवस्था से लेकर अंडे देने लायक बनाने तक आरआर मुर्गियों को 3 कैटेगरी के फीड खिलाया जाता है। 1 नंबर दिन से लेकर 30 नंबर दिन तक आरआर चूजों को चिक्रम या प्री स्टेटर फीड दिया जाता है। 31 नंबर दिन से लेकर 120 नंबर दिन तक आरआर मुर्गियों को ग्रोवर फीड दिया जाता है। 121 नंबर दिन से लेकर जब तक आरआर मुर्गी अंडे नहीं देती है तब तक उन्हें प्री लेयर फीड दिया जाता है। इसलिए आप लोगों को 100 आरआर मुर्गियों के लिए 50 केजी प्री स्टेटर या चिक्रम फीड लेना है और बाकी के 950 केजी ग्रोवर और प्री लेयर मिला के लेना है। अब हम फीड का प्राइस हिसाब करते हैं। 50 केजी के एक बोरा ग्रोवर या प्री लेयर फीड के प्राइस अगर हम 1700 रुपये मान के चले तो उसके हिसाब से 950 केजी फीड का प्राइस हो जाता है 32,300 रुपये। और 50 केजी प्री स्टेटर या चिक्रम फीड का प्राइस हमने कितना हिसाब किया था, 2500 रुपये। 32,300 रुपये प्लस 2500 रुपये कितना होता है, 34,800 रुपये। मतलब 100 आरआर मुर्गियों को चूजे अवस्था से लेकर अंडे देने लायक बनाने तक कितने रुपए के फीड चाहिए, 34,800 रुपये। इससे ऊपर नीचे भी हो सकता है अगर फीड का प्राइस कम होता है और अगर आप लोग आरआर मुर्गियों को एक टाइम घर का बनाया हुआ फीड भी खिलाते हैं तो। और मुर्गियों के लिए घर में ही किस तरीके से हाई प्रोटीन, हाई विटामिन और हाई कैल्शियम वाला दाना बनाया जाता है उसके बारे में अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो उसके बारे में ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियो बना के रखा हुआ है और उसके ऊपर एक प्लेलिस्ट भी बनी हुई है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखा हुआ है। ये वीडियो ख़त्म होने के बाद वो लिंक क्लिक करके वो वीडियो आप लोग ज़रूर देखिए। उसके बाद हम 100 आरआर मुर्गियों के लिए मेडिसिन का खर्चा और वैक्सीन का खर्चा 1000 रुपये मान के चलते हैं और चूजों का प्राइस कितना हुआ था, 5000 रुपये। तो टोटल खर्चा कितना होता है, 40,800 रुपये। मतलब 100 आरआर मुर्गियों को अंडे देने लायक बनाने तक कितना खर्चा होगा, 40,800 रुपये। जब 40,800 रुपये खर्च करके आप लोग आरआर मुर्गियों को तैयार कर देते हैं तब उसके बाद आप लोगों को मुनाफा आना शुरू हो जाता है। 100 आरआर मुर्गियों में कुछ मॉडलिटी भी होगा और उसमें से कुछ मेल मुर्गा भी निकल आएगा और मुर्गों को आप लोग सेल कर सकते हैं अगर आप लोग हैचिंग अंडे यानी कि चूजे निकालने के अंडे सेल नहीं करते हैं तो। अगर आप लोग हैचिंग अंडे सेल करते हैं तब आप लोग एक रेशियो मिलाकर आरआर के मुर्गों को रख सकते हैं और अगर आप लोग हैचिंग अंडे सेल नहीं करते हैं तब आप लोग मुर्गों को सेल कर सकते हैं और आरआर के फीमेल मुर्गियों से आप लोग अंडे उत्पादन करके एक अच्छा आमदनी कर सकते हैं। और जब धीरे धीरे आरआर मुर्गियाँ अंडे देना कम कर देती है तब उसके बाद आप लोग आरआर मुर्गियों को मांस पर्पस के लिए सेल कर सकते हैं। देखिए अगर आप लोग ज़्यादा दिन तक आरआर मुर्गियों को पालते हैं तब आप लोगों का घाटा होता है क्योंकि मुर्गियां फीड खाते रहते हैं, अंडे देना कम करते हैं, इसलिए एक समय के बाद आरआर मुर्गियों को बेचना होता है। और जब आरआर मुर्गी धीरे धीरे अंडे देना कम कर देती है तब उसके बाद आरआर मुर्गियों को सेल कर देना चाहिए। मतलब पहले आरआर मुर्गियों से अंडे लेना है और उसके बाद उसे मांस पर्पस के लिए सेल कर देना है और इस तरीके से आप लोग आरआर मुर्गी पालन करके डबल प्रॉफिट कमाई कर सकते हैं। तो साथियों यही थे कुछ जानकारी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया और वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ और अपने परिवारों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो साथियों आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ।